नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई सेल सिग्नल कम स्किनर बना है उसको मेरा वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, उसके थ्रू में मैं रेगुलर व्यू देता हूँ, स्क्रीन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को स्क्रीनिंग करने का इसका वेरियस पैरामीटर्स आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या क्या पैरामीटर्स है और इसका कार्यकारिता कितना है, और इसको आप लोग अच्छी तरह से स्कैन करके अपना फ़ायदा में लगा सकता है। मैंने ग्रेटर देन प्राइस को ग्रेटर देन 100 कर लिया, उसके बाद मैंने ट्रेंड देखता हूँ और ये ट्रेंड ये ट्रेंड ऐसी तरीक़ा से बनाया गया है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकता। वो आप लोग 50-60 हज़ार देखे सॉफ्टवेयर को देखे तो उसके में ये कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्लस स्टॉक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट देके बनाया गया है, तो ये कभी नहीं किसी के तरीके से किसी वालों में आप लोगों को मिल नहीं सकता है। और इसको आप लोगों को स्टॉक का ट्रेंड का सही दिशा दिखाएगा। ये आप लोगों को प्रोबेबिलिटी को स्किम कर लिया, उसके बाद अब देखिए इधर पॉजिटिव चेंज इन प्राइस दिखा दिया, पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम आप लोग सेकेंड डे का कर लिया लेते हैं। आप लोग इसमें से कुछ स्क्रीनिंग ऑमिट भी कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को ज़्यादा स्टॉक निकलेगा। इसके बाद देखिए आगे आ जाता है, इसको देख लेता है। ये देखिए एलटी ऊपर का पोजीशन बाई सेल लेवल और लेवल का हिसाब से पिवट पॉइंट R1 के बीच में है, और शॉर्ट टर्म का बीच में कि R1 R2 के बीच में है, और स्विंग ट्रेडिंग का हिसाब से 15 डेज का हिसाब से भी और पिवट पॉइंट के ऊपर R1 R2 के बीच में दिखा रहा है। और ये आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, ये इसको पिवट पॉइंट भी मान जा सकता है, और इसको ये 5, 15, 30 और फिर 200 का मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी मान जा सकता है। और इसको आप लोग देखिए RSI MACD इसको पॉजिटिव दिखा रहा है, देखिए MACD और MACD इसको मैंने ग्रेटर देन 1 रखा है, और इसको RSI ऊपर दिखा रहा है, RSI को 50-70-30 मैंने रखा है। RSI का ऊपर आप लोग जानता है कि वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में बहुत दूर जा सकता है, तो ये आप लोग नोट कर सकता है इसका बाई सेल लेवल। इधर जो आप लोग बाई सेल लेवल दिखता है वो रिकमेंडेशन इक्विटी और मेरा जो सर्विस जो सर्विस जो लोग लेता है उसका डिफरेंट लेवल देता हूँ। वो लेवल आप लोग बहुत सारे कंसल्टेंसी बहुत सारे जगह से आप लोगों को मिलेगा लेवल, लेकिन ये लेवल मिलने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट आएगा होगा ही होगा, ये गारंटीड है। तो ये आप लोग 100% पकड़ सकते हैं, ये आप लोग को कभी कहीं नहीं मिलेगा कि ये लेवल देने के बाद कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। और इसका लेवल रिकमेंडेशन में मेरा लेवल कुछ अलग रहता है, माई फेवरेट्स में भी कुछ अलग रहता है। इधर कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी सब ये पैकेज में आप लोगों को मिल जा सकता है, तो आप लोग इसको देख ले सकता है। अगला दिन का जो मैं कैलकुलेट करके बनाया वो भी वो मेरा वेबसाइट पे अपलोडेड है, उधर आप लोग ये रिकमेंडेशन इक्विटी का वो जो लेवल दिया था उसका कितना मिला, और माय फेवरेट्स में ये जो लेवल है कितना मिला था। अभी आप लोग इधर जो देखा रहा हूँ ये एक टाइप का लेवल है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, तो आप लोग
करंट डेट का हिसाब से वो वेबसाइट से डाउनलोड करके वो देख ले सकता है कितना मिला।